the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnob? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and seven other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because it's against a Supreme Court order. Yeah, they did not let you take off your shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people of the country to know. थैंक यू रोशन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और लंदन में इस वक्त किस तरह के हालात है, वहां के लोग अन्नम के समर्थन में किस तरीके से उतर आए? रोशन जी, मैं तो पहले आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र की सरकार से, क्या सच्चाई दिखाना क्या गुनाह है? क्या सच बोलना एक गुनाह है? क्या हमारे देश के अंदर सच बोलना एक गुनाह है? तो ये उनको एक सच्चाई की तो सजा मिल रही है सच बोलने की। जो अन्नम गोस्वामी जी को इन्होंने इस तरह से इनको हरासमेंट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र की जो पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है, तो ये मुझे लगता है कि सच्चाई को दबाने के लिए जो चैनल सच दिखाएगा, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है वहाँ पे फील्ड में, जो बॉलीवुड में हो रहा है, जो ये सुशांत का मर्डर केस का जो उन्होंने खुलासा किया है, तो ये दिखाने की लगता है मुझे, इसलिए महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ये मतलब जो है कुछ अपने कारनामों को छुपाने के लिए अन्नम गोस्वामी जी को दबाना चाहते हैं और मीडिया को दबा, ये अन्नम गोस्वामी जी पूरी मीडिया को दबाना चाहते हैं, ये दबाना चाहते हैं कि मीडिया हमारे इस तरह से काम करे। तो अन्नम गोस्वामी जी के साथ जो हो रहा है ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है, और इसमें हमारे होम मिनिस्टर जी को और राज्यपाल जो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब, उनको भी लेटर लिखना चाहिए, उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि मीडिया के साथ ऐसा जो है, ये जो बदसलूकी की जा रही है उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं रोशन जी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, ये जो है बिल्कुल ये सच्चाई को जो दिखा रहे हैं, जो वो सच बोल रहे हैं, ये सब उनकी सजा दी जा रही है, और इसमें तो भारत की मतलब जनता को भी उनका साथ देना चाहिए, और हम NRI जितने भी लंदन रहते हैं, भारतीय मूल के जो यहाँ विदेशों में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में और नॉर्वे वगैरह में, वो सब आज अन्नम गोस्वामी जी के साथ हैं, और जो उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है वहाँ, सच्चाई की जो मुहिम चलाई थी, जो एक ड्रग्स के खिलाफ एक ड्रग्स गैंग था वहाँ के अंदर, ड्रग्स का गैंग हो गया बॉलीवुड के अंदर, एक जो अपना गैंग है बॉलीवुड का अपना, और जो सुशांत केस को उन्होंने खोला, तो ये तो बिल्कुल ये प्री प्लान करा जा रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है, उनको दबाना चाहती है, उनको डराना चाहती है, उनको उनके ऊपर इतने केस डालना चाहती है ताकि वो दब केस, ये सब चीज़ें ये भी ना दिखाएं, बाकी जो चैनल हैं वो भी ना दिखाएं, ताकि मीडिया को दबा रहे, और मीडिया को दबाना देश की तरक्की को दबाना है। हमारा भारत जो तरक्की करता है वो मीडिया भी उसमें एक अहम रोल होता है, कि जो हमारी भारत सरकार तक वो बात पहुंचती है, हमारे होम मिनिस्टर तक पहुंचती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास पहुंचती है, तो ये जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है देश की तरक्की का, इसको दबाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र इनके खिलाफ ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ भारत की जनता को और वहाँ की गवर्नमेंट को, अपने होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को,
और हम तो कहते हैं भारत सरकार को, जो केंद्र की सरकार है उसको अर्णब गोस्वामी जी का पूरा साथ देना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गिरफ्तार भी किया तो पहले सम्मन भेजो, उनको मौका दो, उनसे पूछताछ करो। ये जवाब देने से डरते क्यों जो अधिकारी हैं वहाँ के, जो महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर हैं, अगर वो जवाब देने से डरते क्यों, मीडिया के सामने आने से क्यों डरते हैं वो लोग? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है।